बहुत ज्यादा गुरु जी की तो इतनी जरूरत है ना, आज गुरु जी आ जाए तो मैं कह रही हूँ करोड़ों दुनिया यहाँ पता नहीं कितनी दुनिया आ जाएगी। और तो और गवर्नमेंट को भी उनकी जरूरत है। सजा तो सबसे ज्यादा मतलब समाज को ही मिल रही है। संत जी क्या है, वो तो बैठे जैसे यहाँ थे वैसे ही वहाँ, वहाँ भी भलाई के काम करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ दीपिका इंसा जी जुड़ी हैं। इनकी बेटियाँ उस स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी जिसके बारे में तमाम ऐसी खबरें मीडिया में दिखाई जा रही थी। ये आज समाज को बताना चाहती हैं कि सच क्या है उन खबरों का, उन हेडलाइंस का जो सूत्रों के हवाले से दिखाई गई थी। जानते हैं दीपिका जी से बात करके। दीपिका जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। दीपिका जी, आपकी बेटियों, कितनी बेटियां हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। और मेरे बच्चे दोनों छोटे से थे। बेटा तो मेरा नर्सरी से मतलब छोटा सा 4 साल का यहीं पढ़ने लगा क्योंकि यहाँ के एजुकेशन बहुत अच्छी। कौन से स्कूल में आपके अपना बच्चे? सास नाम जी धाम, अपने पिताजी के डेरे वाले स्कूल में गुरु जी के, उसमें ही पढ़े हैं दोनों बच्चे मेरे। आपकी बेटी भी? बेटी भी यहीं पढ़ी है। हाँ जी। स्कूल का माहौल कैसा है? स्कूल का माहौल इतना अच्छा था ना, मैं कह रही हूँ किसी स्कूल में या कहीं, हम इतने बड़े सिटी गुड़गांव में रहते हैं, कोई स्कूल इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पे। मतलब एजुकेशन भी, प्लेयर वगैरह मतलब गेम में या पढ़ाई में लगा लो, या जो सेफ्टी है यहाँ पर, जो मतलब यहाँ पर इतना अच्छा, बहुत अच्छा वो है, यहाँ का माहौल इतना बढ़िया, कहीं मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। मतलब और जगह इतना गंदा है, इतना गलत हुआ है सब, यहाँ तो बहुत अलग ही एक सिस्टम था। तो मैं तो इतना तरसती थी, मैंने कहा मेरे बच्चे यहाँ पढ़े बचपन से, तो बस गुरु जी की दया हो गई तो यहीं पर ही बच्चों का हो गया, सेटल हो गया। बच्चों के बारे में खासकर सवाल उठाए जा रहे थे, गर्ल्स की सुरक्षा कैसी रहती है? गर्ल्स की तो बहुत ज़्यादा, इतना मतलब मैं कह रही हूँ इतना कहीं भी नहीं है जितना बढ़िया यहाँ पे है। माहौल बहुत अच्छा, मतलब सेफ्टी है बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा। और जगह जाके देखें बहुत माहौल ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन आज यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ हर चीज़ का मतलब टीचर मतलब हर चीज़ में कंट्रोल है और बढ़िया, बच्चों का इतनी अच्छी एजुकेशन भी अच्छी है और जो है ना कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, और बच्चे भी यहाँ पे मतलब बिगड़ते नहीं यहाँ पढ़ने के बाद में बहुत ही। गुरु जी आते थे मैम स्कूल कॉलेज में, कभी आपकी बेटी ने बताया हो? हाँ, गुरु जी अच्छे वो मतलब शिक्षा देते थे, गेम वगैरह सिखाना और हर चीज़ में मतलब काफ़ी गुरु जी ने मतलब अच्छे वो दिया है बच्चों को, जिससे कि बच्चों की वजह, गुरु जी की वजह से बच्चे इतने हमारे आगे बढ़े हैं आज। अच्छी प्रेरणा दी गुरु जी ने, अच्छी शिक्षा दी है यहाँ पे बच्चों को। गुरु जी का नेचर कैसा? गुरु जी का नेचर तो मैं कहती दुनिया में उससे कोई, हमारे माँ बाप का भी नेचर ऐसा नहीं हुआ जैसे हमारे गुरु जी हैं। उनका तो एक अलग ही दुनिया से निराला ही, बिल्कुल एकदम हमारे गुरु जी जैसा महान तो मेरे कोई है ही नहीं। उनकी तो इतनी दया मेहर है ना दुनिया पे, आज मतलब दुनिया टिकी हुई है ना उन्हीं की वजह से टिकी है। अगर लोग थोड़ा बहुत भक्ति ना करें और थोड़ा उनको ना माने तो पता नहीं दुनिया का क्या हो जाता अब तक। तो जिस हिसाब से महामारी भी आई है कोरोना की, कोई ऐसा गुरु नहीं है जिसने ऐसे मतलब यहाँ अरदास विनती करी हो या देश के लिए या किसी के लिए मतलब बोला हो कि भाई हाँ ऐसा ना हो, ये बीमारी ख़त्म हो जाए। हमारे एक गुरु, मैं कहती हूँ खुदा रब भगवान, वो गॉड इतना वो है कि वो सबका भला सोचता है। मतलब ऐसी अरदास सब कुछ अपने ऊपर ले लिया उसने, इतना महान गुरु मैं कह रही हूँ किसी का भी नहीं होगा। हमारे गुरु जैसे तो गुरु कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं तो 30 साल हो गए गुरु जी से, जब से यहाँ से जुड़ी हूँ सच्चे सौदे से, कहीं का मैंने तो कहीं सिर भी झुका के नहीं देखा दूसरे जगह। मतलब कोई दूसरा दर तो हमारे लिए सब ऐसा ही है, बस अपने लिए दर के अलावा कोई कहीं कोई मतलब ही नहीं होता कि कहीं जाएं या किसी का प्रसाद खाएं या कहीं हम कोई ऐसे, इतना कुछ मालिक ने हमारे को दे रखा। हमारे को तो इतनी गुरु जी की कृपा है, बस अपना वचनों पे पक्के रहो, मेडिटेशन करो तो कोई कमी नहीं है। हमारे को तो पिताजी ने, आज मेरे घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, सब कुछ है, पिताजी की दया मेहर है। जब से नाम लिया पूरे, मैं कहती हूँ गुड़गांव में मोहल्लों में किसी के यहाँ गाड़ी नहीं थी, मालिक की दया मेहर ऐसी हुई हमारे घर में गाड़ी थी। सारे कहते थे सत्संगियों का घर, सत्संगियों का घर, कहते बैग लेके चल देते हैं डेरे में, इनको क्या मिलता है। वो तो हमें पता है क्या मिलता है ना, हमें पता है मालिक कितनी दया मेहर है, क्या मिलता है वो तो हमें पता है। कैसा है मैम करेक्टर? जो ऐसा कहते हैं वो उनका खुद का ही करेक्टर खराब है। करेक्टर वो खुदा रब है, उनका करेक्टर क्या होगा। वो तो दुनिया को इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, वो तो खुद कहते हैं दुनिया को ये काम मत करो, ऐसे मत करो, गलत साइड में मत जाओ। जो दुनिया का जो वैश्याओं को अपना उन्होंने बेटियां बनाया, वैश्या लड़कियों को अपना बेटी बनाकर उनकी शादी करी, उनका घर परिवार बसाया, वो कैसे हो सकते हैं? वो तो एक बाप, इतना बड़ा बाप मैं कहती हूँ ऐसा किसी का भी नहीं हुआ जितना हमारे गुरु जी, मतलब उनकी जैसे दया मेहर तो कहीं नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। मैं तो खुद
हमें तो 30 साल में तो कोई सत्संग नहीं छोड़ा, महीने में गुड़गांव में रहते थे, गुड़गांव से 4-4 सत्संगें भी हमने सुनी आके हर संडे को, क्यों बच्चे यहाँ पढ़ते थे मेरे, 4-4 सत्संगें चारों अटेंड करना, नए जीवों को लाना, और इतने बेचारे दुखी हारे और इतने परेशान लोग, नशेड़ी शराबी कबाबी उनके हस्बैंड, वो बेचारे यहाँ आते थे, और उन्होंने ना मतलब इतना वो किया, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना एहसान माना कि हम यहाँ डेरे में आके हमारे गुरु जी की इतनी कृपा हुई है हमारे घर में, ना तो किसी चीज़ की कमी है और ना ही हमारे को मतलब ऐसा किसी मतलब कोई दुख तकलीफ़ है घर में हमारे। आज मतलब गुरु जी का नाम लेके हम मालो माल हो गए, जिनको भी हम लेके आते थे नए जीवों को, गाड़ी भर भर के दो गाड़ियाँ लेके आते थे यहाँ पर हम अपने खुद की, और इतना लोग मतलब इतना इंटरेस्टेड होते थे भी, हाँ अभी भी वो लोग आते हैं, अभी भी मानते हैं, दुनिया मानती है, अभी 7 करोड़ लोग है जो मतलब दुनिया गुरु जी को हमारी मानती है, और कहीं नहीं जाते सब, अभी भी मतलब गुरु जी वहाँ पर है लेकिन सारे काम चल रहे हैं, और यहाँ मतलब अभी बिना नाम वाले लोग भी आते हैं, इस टाइम भी आ रहे हैं, चाहे वो देखने आ रहे हैं, चाहे मत्था टेकने आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, कोई यहाँ कमी नहीं है। एक बार गुरु जी के कोई कह दे ना गुरु जी एक बार आ जाएं बस, यहाँ तो लाइन लग जाएगी, मैं कह रही हूँ नाम वाले के बिना नाम वाले भी, इतनी दया मेहर है। समाज के लिए क्या किया है गुरु जी ने? समाज के लिए तो इतना कुछ किया है, अब आपको क्या बताऊँ, समाज के लिए इतनी बीमारी जो सिर पे अपने मोल ले ली है, दुनिया का इतना भला, जो लोग जिनको खाने को नहीं मिलता था, रोटी नहीं मिलती थी, जिनके घर में अनाज नहीं होता था, आज वो इतने मालूम आ रहे हैं, उनके घरों में इतनी गाड़ियाँ बंगले, उनके पास क्या चीज़ की कमी है, इतना सिर्फ एक मेडिटेशन, वो तो अच्छा ही काम सिखाते हैं, मेडिटेशन मेडिटेशन करो अपना है, और गलत काम मत करो, अपना मालिक के वचनों पर पक्के रहो, कैरेक्टर सही रखो अपना, ये 3 चीज़ें सिखाते हैं, मांस वगैरह मत खाओ, कोई ऐसी गलत शिक्षा तो देते नहीं, इतनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, ये शिक्षा कोई और गुरु, मैं तो कहती नहीं कि कोई और गुरु देता होगा। आपको क्या आपको आपसे कभी दान चढ़ावा कोई पैसा? हमने तो कुछ नहीं दिया, एक चवन्नी भी नहीं दी, और तो और यहाँ तो क्या, हम तो बाहर भी कल हम लोग गए थे कहीं बाहर, परसों गए थे वहाँ पे मांगने वाले गाड़ी के आगे पीछे, कोई कहता गुब्बारा ले लो दे दो, कोई कहता आंटी पैसे दे दो, अंकल 2 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 10 रुपये, नहीं, हमारे गुरुजी ने सिखाया अगर किसी का भला करना है उसको रोटी खिला दो, उसको चाय पिला दो, उसको कपड़ा पहना दो, उसको अच्छी मतलब उसका वो कर दो, कोई परवरिश कर दो या उसका भला कर, ये नहीं है पैसे का दान, पैसे का दान तो बेकार है, अगर हम उनको पैसा दे रहे हैं वो एक चढ़ावा, वो तो कोई फ़ायदा नहीं है, दारू पियेंगे, मीट अंडा खाएंगे, कुछ गलती चीज़ करेंगे घर वाले उनके जाके, वो तो फिर उल्टा हो गया ना, वो हम तो उनको गलत चीज़ दे रहे हैं, इसलिए किसी को देना है तो रोटी खिलाओ, कपड़ा पहनाओ। 4 सालों से नहीं है गुरुजी समाज में, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? सब प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है, अगर इस टाइम गुरुजी 4 सालों में यहाँ पर होते तो हर संडे को 4 संडे महीने के जो नामदान देते हैं ना, कितनी अब मैं कहती हूँ पूरी दुनिया ही हो सकता है, पता नहीं कितने करोड़, 7 की जगह 25 करोड़ लोग हो जाते इस टाइम दुनिया, क्योंकि इतने इतने लोग लाख लाख 2-2 लाख 3-3 4-4 लोग लाख मतलब नाम लेने लगे थे यहाँ पे से सच्चे सौदे से जब गुरुजी थे, अगर आज गुरुजी होते 4 सालों में आप लगा लो कितने संडे हो गए, हर संडे को इतने जीव नए जुड़ते, और ये दुनिया में जो अब ये इतना गंदा काम हो रहा है ना नशाखोरी का, मैं कहती हूँ नशा हर घर में, नशा हर घर में, गंदगी हर मतलब देखने में बंदा लगता है अच्छा है लेकिन उसका हाल देखो घर का क्या हाल है, नशे से लगा लो चाहे वैसे कैरेक्टर लगा लो, हर दुनिया इतनी बिगड़ी हुई है, ये तो मालिक ने अपने जो सच्चे सौदे वाले जो जीव जुड़े हुए हैं ना मालिक के चरणों में, वो रात दिन अखंड सिमरन चल रहा है, सिमरन कर रहे हैं तभी दुनिया टिकी है, नहीं तो दुनिया का तो पता नहीं क्या हाल होता, मैं तो कहती हूँ शायद ख़त्म ही हो जाती है अगर नाम ना किसी के पास होता तो, हम तो खुद कहते हैं हमारे पर नाम नहीं होता, हम पता नहीं जिंदा होते या नहीं होते, इतनी बड़ी गंदी कोरोना महामारी इतनी गंदी आई हुई है जो इससे तो पता नहीं दुनिया का, अब वही बात है जिसने नाम नहीं ले रखा जो मांस अंडा खाते हैं जो उनका क्या हाल हुआ पड़ा है, वही बच्चे पड़े हैं जो मालिक के प्यारे हैं, थोड़ा मालिक को भाई जरूरत है संत जी की बहुत ज़्यादा, गुरु जी की तो इतनी ज़रूरत है ना, आज गुरु जी आ जाएँ तो मैं कह रही हूँ करोड़ों दुनिया यहाँ पता नहीं कितनी दुनिया आ जाएगी, और तो और गवर्नमेंट को भी उनकी ज़रूरत है, सबको पता है लेकिन आँखें उनकी बंद हैं, उनकी आंखों में पर्दा डला हुआ है, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या? सारे झूठे आरोप हैं, कोई आरोप नहीं, जो मैं कह रही हूँ जो मालिक इतना सतगुरुदाता इतनी अच्छी शिक्षाएं दे रहा है, इतना मतलब वो कर रहा है, सजा तो सबसे ज्यादा मतलब समाज को ही मिल रही है, संत जी क्या है वो तो बैठे जैसे यहाँ आते वैसे ही वहाँ, वहाँ भी भलाई के काम करवा रहे हैं, संत जी तो वहाँ से भी हमारे गुरु जी हमारे तो रब खुदा गॉड वहाँ से ही बैठे बैठे वही काम आज भी हो रहे हैं जो पहले होते थे, नहीं कि वो सारे बंद हो गए, हम तो कहते हैं आज हम तो कह रहे हैं जो कल के आने वाले हैं ना वो आज आ जाएं अभी आ जाएं गुरु जी, इतनी उनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, समाज को इतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।